आने वाली पीढ़ियों को पूर्वजों का तथा गांव का लगभग 1500 वर्ष पुराना इतिहास बताने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मारा गांव गोविंदपुरी एक परिवार अब जनता के समक्ष है। आने वाली पीढ़ियों को पूर्वजों का तथा गांव का लगभग 1500 वर्ष पुराना इतिहास बताने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मारा गांव गोविंदपुरी एक परिवार अब जनता के समक्ष है। गद्यवस इस गांव की ही सामाजिक कार्यकर्ता तथा इस वृत्त चित्र में गांव के नाम को ही सब कुछ बताने वाली मीनाक्षी त्यागी, बाल कल्याण परिषद से जुड़े गाँव की ही सरयू शर्मा, गृहिणी कृष्णा देवी त्यागी तथा नीरज परीक्षित त्यागी द्वारा मारा गांव गोविंदपुरी का पोस्टर व इस डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। इस वृत्त चित्र का निर्माण गांव के ही वीरेंद्र त्यागी द्वारा किया गया तथा निर्देशन प्रोफेसर राखी खोसला ने किया है। डॉक्यूमेंट्री में फोटोग्राफी विनोद साहनी तथा समीर चौहान द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त गांव पर एक गीत गायिका आंजा आहूजा द्वारा गाया गया। इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है कि गांव गोविंदपुर के ब्राह्मण परिवार के सदस्य जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व राजस्थान से माइग्रेट होकर यहां आए थे ने किस प्रकार गांव व देश के विकास के लिए कार्य किया। गांव में रहने वाले सभी ब्राह्मण परिवार एक ही बुजुर्ग की औलाद है। हालांकि गांव में अन्य जातियों के लोग भी रहते हैं और सभी में इतना अधिक भाईचारा है कि गांव के बाहर के लोग भी उनकी मिसाल देते हैं। यमुनानगर जिले का यह गांव गोविंदपुरी शुरू से ही दबंग व प्रतिष्ठित रहा है। वृत्त चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार से गांव के बुजुर्गों ने देश की उन्नति में अपना अहम योगदान दिया। वृत्त चित्र के माध्यम से यह भी बताया गया है कि यमुनानगर शहर लगभग 60% हिस्सा गांव के बुजुर्ग की जमीनों में बसा हुआ है। इन जमीनों को या तो बुजुर्गों ने दान दिया था या सरकार ने इन्हें अधिग्रहण कर लिया था। बहुत सी जमीनों का मालिकाना हक अभी भी गांव के ही बुजुर्गों के नाम पर है। फिल्म का निर्माण करने वाले वीरेंद्र त्यागी बताते हैं कि इस वृत्त चित्र को बनाने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य केवल यही था कि आने वाली पीढ़ियों को अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी मिले, उन्हें यह पता लग सके कि किस प्रकार उनके बुजुर्गों ने देश की उन्नति में अपना अहम योगदान दिया। त्यागी ने बताया कि इस वृत्त चित्र को बनाने के लिए उन्हें कई बार हरिद्वार के पंडो, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के पंडो से भी मुलाकात करनी पड़ी और वहीं से उन्हें काफी हद तक इतिहास की जानकारी मिली। लगभग 200 वर्षों का इतिहास उन्हें इन स्थानों से मिला तथा इससे पूर्व का इतिहास गांव के ही बुजुर्गों से सुनने को मिला, जिसके आधार पर उन्होंने इस वृत्त चित्र का निर्माण किया। इस वृत्त चित्र के बनाने में गांव के लोगों का विशेष योगदान रहा। वृत्त चित्र में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार राजस्थान से आकर बुजुर्गों ने इस गांव को बसाया। बताया गया है कि बलदेव व गुलाब नाम के दो भाई थे, जिनमें से एक भाई बलदेव के वंशज गोविंदपुरी में वास करते हैं तथा दूसरे भाई गुलाब के वंशज उत्तराखंड के गाँव ननहेड़ा रुड़की में निवास करते हैं। आज भी इन दोनों गाँव के लोगों में आपस में भाईचारा है तथा हर सुख दुख में दोनों ही गाँव के लोग आपसी प्यार भाव से शामिल होते हैं। मारा गांव गोविंदपुरी एक परिवार वृत्त चित्र की सभी सराहना कर रहे हैं। वृत्त चित्र के माध्यम से गांव की जानकारी देने वाले डॉक्टर कृष्णा पंडित, पूर्व मंत्री रविदत्त त्यागी, सेवानिवृत्त अधिकारी शमशेर त्यागी, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े अमृत पाल त्यागी, राकेश त्यागी, सरयू शर्मा, राकेश शर्मा काका, दीपक त्यागी, कुसुम त्यागी, पूर्व पार्षद मीनाक्षी त्यागी आदि का कहना था कि उन्हें गांव के बारे में जो जानकारी बुजुर्गों व अन्य सूत्रों से मिली थी वही जानकारी उन्होंने आगे अपने आने वाली पीढ़ियों को देने का प्रयास किया है। वृत्त चित्र को बनाने में गोविंदपुरी वासी परीक्षित त्यागी, गौरव त्यागी, मनोज त्यागी, राकेश कुकुला, अजय त्यागी, अरुण त्यागी तथा अन्य गांव वासियों का विशेष सहयोग रहा है। हरि के नगर में बसा 1500 वर्षों पहले एक गांव था। राजस्थान से आए यहाँ संतों का बसा ये जहान था। गोविंदपुरी की तो बात ही क्या की जाए, गोविंदपुरी का तो नाम ही काफी है। नेर जगह है कोई, वहाँ से हमारे पुरखे चले थे जो गोविंदपुरी में आन करके बसे, और उन्हीं पुरखों में से एक बुजुर्ग हमारे यूपी उत्तराखंड के अंदर रुड़की के पास एक गांव है, गांव ननहेड़ा, यहाँ से एक बुजुर्ग हमारे वहाँ चले गए थे। उनका तो रिकॉर्ड में इतिहास है हमारे पास, वो लगभग यहाँ से 600 सम्मत था उस समय, जो अब आजकल 2000 सम्मत चल रहा है, तो उस समय यहाँ से गए थे। वो इतिहास हमने उन्हीं भाइयों के पास गांव ननहेड़ा से मिला था। उसमें वो हमारे उनका हमारा एक ही गोत है जो हम पुरखों से सुनते आए थे, जिस कहानी को, लोक कथा को, कैसे यहाँ से गए थे, वही कथा जो हमने यहाँ सुनी थी वही कथा रुड़की वाले हमारे जो गांव है हमारा ननहेड़ा, वहाँ के बुजुर्गों ने भी हमें ये सुनाई है। परंतु हमारा कुछ इतिहास हरिद्वार में पंडों के पास से जो हमें उपलब्ध हुआ, वैसे हमारा गांव पूरा एक ही बुजुर्ग की औलाद है,
क्योंकि सभी का एक ही गोत्र है। अरे यही हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं। नगर का मॉडल टाउन हिस्सा जो है वो सारा का सारा ही गोविंदपुरी की जमीन में बने हुए है। देवतिया की ग्रेट ग्रैंडसन पंडित लायक राम को 1 जनवरी 1925 को राय साहब का किताब मिला था। वो नालागढ़ के राजा साहब की डेथ हो गई थी, उनके बच्चे छोटे थे, तब उनको एज गार्डियन या मैनेजर साहब कह सकते हो अपॉइंट किए थे और वो बहुत सोशल थे। उनकी परंपरा हमने भी मेंटेन रखी है। गांव में आज भी पुरानी हवेलियों के अवशेष बताते हैं कि कभी यहां शानदार हवेलियां हुआ करती थी, लेकिन आधुनिकता के चलते हवेलियां खत्म हुई और हवेलियों की जगह कोठियों ने ले ली। वर्तमान में गांव गोविंदपुरी के ब्राह्मण त्यागी परिवार के नाम से पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। ब्राह्मणों में त्यागी को सबसे अधिक बलवान और प्रभावशाली माना जाता है और कहा जाता है कि त्यागी जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय है। भगवान परशुराम के वंशज के रूप में जाने जाने वाले त्यागी वर्तमान में भी अपना रुतबा कायम रखे हुए हैं। इसलिए यदि 1 सदी की बात की जाए तो रिकॉर्ड खंगालने से पता चलता है कि त्यागी परिवार के खून में ही चौधरा हट रही है। तो हमारे DNA में ही है, जहाँ तक हमारे पूर्वजों को भी अंग्रेजों द्वारा चौधरी खिताब मिला हुआ था, उसी परंपरा को हम आज तक कायम किए हुए। गोविंदपुरी के त्यागी परिवार को शुरू से ही दबंग व पैसे वाला माना जाता रहा है। ये जब चाइना की लड़ाई हुई, हमारे बाबा जी ने DC साहब SS बेदी थे अम्बाड़ा, उनके कहने पे 1 लाख के 770 खरीदे थे और वो DC साहब खुद हमारे घर यहाँ आए थे और बाबा जी का मान सम्मान किया, जो उसका प्रमाण पत्र वो भी आज हमारे पास है। ये उस समय की बात है जब लोगों के पास पैसे देखने को नहीं मिलते थे। ये बताना चाहती हूँ कि हम जब पंजाब से यहाँ पर शिफ्ट हुए तो यहाँ आने के बाद मेरे हस्बैंड डॉक्टर JP शर्मा गोविंदपुरी के थे और गोविंदपुरी में उनका एक अपनी अलग एज ए डॉक्टर भी पहचान थी। गोविंदपुरी गांव एक गांव नहीं है, ये शहर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये गांव अपने आप में एक महत्वपूर्ण गांव है। जो शहरवासी हैं यहाँ के आने वाले, वो भी यहाँ पर गर्व महसूस करते हैं और गोविंदपुरी वाले तो हैं ही यहाँ के, वो तो हैं ही गर्व महसूस करते हैं अपने आप पे कि मैं गोविंदपुरी का हूँ। गोविंदपुरी का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से पहले महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पाती थी, लेकिन जैसे जैसे समाज में बदलाव आया वैसे वैसे महिलाओं में भी बदलाव आया। वो पहले घर में चूल्हा चक्की कामों में लगी रहती थी, लेकिन अब वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। गांव में गोविंदपुरी में सब एक दूसरे के समर्थक हैं, चाहे राजनीतिक तौर पर अलग हैं। राजनीतिक तौर पर सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, राज्य स्तरीय मेंबर सब मौजूद हैं, लेकिन कभी आपस में पार्टी की वजह से कोई लड़ाई नहीं होती। हर वर्ग आदमी अपने लेवल पे काम करते हैं। त्यागी जी, जो अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री का इनॉग्रेशन हुआ है जिसका नाम है मारा गांव गोविंदपुरी, तो इसके बारे में आप बताएंगे कि जो ये डॉक्यूमेंट्री है इसको रिलीज करने का क्या उद्देश्य क्या है आप लोगों का? हमारा गांव गोविंदपुरी बनाने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था हमारा कि आने वाली जनरेशन को अपने गाँव के बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि हमारे गांव का इतिहास लगभग 1500 साल पुराना इतिहास है जो हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को या वर्तमान में जो भी बच्चे हैं उनको शायद इस बात का नहीं पता कि हम कहां से आए कैसे हमारे बुजुर्गों का इस देश की उन्नति में, प्रदेश की उन्नति में, गांव की उन्नति में, शहर की उन्नति में योगदान रहा। तो हमने एक प्रयास किया है कि ये सब कुछ एक फिल्म के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से ऑथेंटिक वे में आगे आने वाले जनरेशनों तक पहुंचा सके। हमने इसमें ये बताने का प्रयास किया वर्तमान जनरेशन को और आने वाले को कि हम 1500 साल पहले राजस्थान से आए थे, जैसा हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, और फिर हमने इसके इतिहास की खोजबीन करनी शुरू की तो हमें हरिद्वार से लगभग 150 साल पुराना रिकॉर्ड मिला, जिससे हमें पता लगता था कि हमारे बुजुर्ग कौन थे और हमारा सारा गांव, जितने भी हम ब्राह्मण परिवार गांव में रह रहे हैं सभी एक ही फैमिली हैं, एक ही बुजुर्ग की हम औलाद हैं। एक बुजुर्ग और थे, दो बुजुर्ग थे, बलदेव जी और गुलाब जी। गुलाब जी तो यहाँ से चले गए थे
उत्तराखंड के गांव नंदेड़ा में, रुड़की के पास गांव है, उनकी औलाद वहां पर है। वो नंदेड़ा गांव गुलाब सिंह के नाम से ही बसा हुआ है, गुलाब सिंह का नंदेड़ा बोलते हैं उसे। और ये बलदेव सिंह जी द्वारा जो हम उनके जो वंशज है, तो ये हमारा गांव गोविंदपुरी है। गोविंदपुरी में बलदेव सिंह जी की औलाद है और नंदेड़ा में गुलाब सिंह जी की औलाद है। इसके अलावा जो नंदेड़ा में हमारे दूसरे भाई बंधु रहते हैं, वहां से भी हमने थोड़ी जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। उनके पास तो हमसे भी ज़्यादा पुराना रिकॉर्ड था, जो कि पहले पंडों से भी पहले भाट आया करते थे गांव में, और वो सारा रिकॉर्ड लिख के ले जाते थे। वहां से भी हमें रिकॉर्ड पता लगा, उसको सारे को हमने संकलन किया एक जगह, और सोचा भाई इसको सारे को अभी तो हमें पता है, इसको आगे भी आने वाली पीढ़ियों को भी पता लगे। गाँव के सहयोग से तो ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, क्योंकि सभी ने किसी के पास कोई जानकारी थी, किसी के पास अपने बुजुर्गों से संबंधित फोटोग्राफ थे, किसी के पास कोई मुझ बंदी जानकारी थी, तो सभी जानकारी हमने सबसे ली, सबसे पूछा, जिसके पास जो भी जानकारी थी हमने वही इस फिल्म में दिखाई है। हमने अपने पास से कुछ नहीं किया इसमें, हमने तो जो हमें जानकारियाँ मिलती रही उनको हम रिकॉर्ड करते रहे, और रिकॉर्ड करके उसको डॉक्यूमेंट्री का रूप दे के गाँव के सामने उसको रख दिया है, और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी देख रहे हैं, और लोग कुछ लोग आश्चर्य से भी बात कर रहे हैं, भाई यार ये तो हमें पता ही नहीं था इतना गहराई में, लेकिन अब जितना भी हमसे हो सका हमने उसको दिखाने का प्रयास किया।